क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं अरुण गोयल। सर्वप्रथम सभी देशवासियों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बता दें कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी क्राइम रिपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारी एवं सदस्यों ने मिलकर नए वर्ष का स्वागत करते हुए 31st की नाइट जरूरतमंद एवं गरीबों को ठिठुरती हुई ठंड में कंबल उड़ाकर नए वर्ष का स्वागत किया। क्राइम रिपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी व सदस्य नाला सुपारा से लेकर विरार तक रेलवे स्टेशन ब्रिज एवं बस डिपो पर ठंड से ठिठुर रहे लोगों को कंबल उड़ाते हुए नजर आए। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी दिसंबर 31st की रात को पत्रकारों की संस्था क्राइम रिपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन से जुड़े पत्रकार व सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपने हर ऐसो आराम को छोड़कर सामाजिक कार्य करते हुए ठिठुरती हुई ठंड में सोने वाले गरीब एवं जरूरतमंदों को कंबल उड़ाकर नए साल का स्वागत किया। आपको बता दें कि जहां नव वर्ष आते ही लोग पुराने वर्ष को विदाई देते हुए पार्टियां मनाते हैं और नए वर्ष का स्वागत करते हैं, परंतु इससे कुछ हटकर पिछले 4 वर्षों से पत्रकारों की संस्था क्राइम रिपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा साल के आखिरी दिन की ठिठुरती ठंड में संस्था के संस्थापक व अध्यक्ष राज शर्मा के द्वारा जनहित कार्य करते हुए गरीब एवं जरूरतमंदों को कंबल उड़ाकर एक नेक काम करने का प्रयास किया गया। 31st की रात को पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का यह समूह नाला सुपारा से निकलकर विरार तक रोड पर सोने वालों से लेकर स्टेशन और एसटी डिपो पर ठंड से ठिठुर रहे लोगों को कंबल उड़ाता है। ठंड में ठिठुर रहे गरीब व जरूरतमंदों को पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा कंबल उड़ाया जाता है। इस बार पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ताओं में क्राइम रिपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष राज शर्मा, पत्रकार राज दसोनी, पत्रकार गोपाल गुप्ता, राजाराम गायकवाड़, विनायक खरड़े, कमर बेग, मयंक रावत, यशवंत भारद्वाज, संतोष तिवारी, बैजू गुप्ता व सनी सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। नाला सुपारा से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक रिपोर्ट।